आसाराम और नारायण साईं को तो दोहरी सजा मिलनी चाहिए, एक तो उनके कुकर्मों की और दूसरी लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ की भी। ये तो इतने बड़े पापी हैं कि लड़की को लेकर आपस में ही जूतम पैजार पर आमादा हो जाते थे, यहां तक कि नारायण साईं अपने बाप की ही सेक्स सीडी बनाने की फिराक में था। करीब 3.5 महीने पहले उजागर हुआ था आसाराम का पाप। उसके बाद तो इनकी इतनी कुकर्म कथाओं के उजागर होने का सिलसिला ही शुरू हो गया। आरोप है कि बाप बेटे दोनों कामांध हो गए थे, सेक्स के लिए ये कुछ भी कर सकते थे। बाप बेटे में जैसे होड़ लग जाती थी, यहाँ तक कि नारायण साईं खुद अपने पिता आसाराम की सेक्स सीडी बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करना चाहता था। दरअसल बाप बेटे के बीच विरोध की कहानी 10-12 साल पुरानी है। आसाराम के एक साधक की माने तो नारायण साईं का दिल एक गोरी मेम पर आ गया था, उससे शादी करना चाहता था, लेकिन आसाराम इसके लिए तैयार नहीं हुआ। इसके बाद से ही नारायण आसाराम से खफा रहने लगा था। आसाराम के अहमदाबाद आश्रम के एक साधक की माने तो मोटेरा आश्रम में जो तहखाना मिला है वो नारायण साईं ने ही बनवाया था। इस तहखाने में नारायण आश्रम की साधिकाओं से ग्रुप सेक्स करता था, इसकी जानकारी भी आसाराम को थी। इस बात पर बाप बेटे में विवाद होता रहता था। साधक की माने तो एक बार नारायण साईं ने आसाराम पर पिस्तौल तक तान दी थी। नारायण साईं पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली सूरत की महिला ने दावा किया है कि साईं दो नाजायज संतानों का बाप है। साईं केवल भावना पटेल और जमुना के बेटे का ही पिता नहीं है, वो एक दूसरी अन्य सेविका की बेटी का भी पिता है। और एक लड़की है, ये श्योर है, ये बात, एक लड़की भी है और मेरे जानने में दो है, बाहर भी हो सकते हैं और भी। हाल ही में नारायण साईं की पत्नी शिल्पी उर्फ जानकी भी सामने आई। शिल्पी की माने तो नारायण साईं से शादी के कुछ दिनों तक तो उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन जल्द ही नारायण साईं की आशिक मिजाजी का सच उसके सामने आ गया। नारायण साईं ने सुधरने की बजाय उल्टा उसे ही डराना धमकाना शुरू कर दिया। दूसरी ओर अपनी साधिकाओं और गुर्गों की मदद से वो हमेशा सत्संग में लड़कियों को फंसाने की कोशिश करता था, और उसकी इन्हीं आदतों से ऊब कर उसे नारायण साईं से अलग होने का फैसला करना पड़ा। नारायण साईं का करेक्टर और कंडक्ट ठीक नहीं था, इसकी वजह से उनकी पत्नी उनसे अलग रहती हैं, और डाइवोर्स की बात है, डाइवोर्स अभी हुआ नहीं है, लेकिन दोनों अलग रह रहे हैं, दैट इज अ फैक्ट। नारायण साईं की पत्नी शिल्पी उर्फ जानकी ने कहा है कि नारायण साईं कोई धर्मात्मा या संत नहीं, बल्कि वो आशिक मिजाज शख्स है जो सेक्स मेनियक हो चुका है, और इस जहनी बीमारी का अंजाम ये है कि पति पत्नी के रिश्तों में ईमानदारी तो दूर, वो हमेशा सत्संग में आने वाली लड़कियों को अपना शिकार बनाने की फिराक में लगा रहता था। नारायण साईं की पत्नी से जो पूछताछ हुई है उस हिसाब से ये इतनी चीज़ें निकल के आई हैं कि वो उनसे अलग रहती हैं, और चूँकि नारायण साईं का दूसरी स्त्रियों के साथ संबंध था, इस वजह से वो अलग रहती हैं। ये बाप बेटे मानसिक तौर पर इतने क्रूर थे कि दीपावली पर कुत्ते और गाय की पूंछ में पटाखे बांध कर जला देते थे। जब ये बेजुबान जानवर छटपटाते थे तो बाप बेटे खुश होते थे। आखिरकार बाप बेटे की पाप लीलाओं का अंतिम वक्त भी आ गया। आसाराम तो पहले ही जेल जा चुके थे, उनका बेटा नारायण साईं भी हवालात में पहुंच गया। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ संजय सिंह राठौड़, सूरत आज तक। शाहजहांपुर की एक हिम्मती लड़की ने आसाराम की पाप लीला का खुलासा किया था। उसके बाद सूरत की दो बहनें सामने आईं और बाप बेटे के चेहरे से नकाब खींच दिया। इन बहनों की माने तो इनमें से एक को आसाराम ने तो दूसरी को नारायण साईं ने अरसे तक अपनी हवस का शिकार बनाया। तभी तो ये बहनें कहती हैं कि बाप बेटे को फांसी दो। जो गुजरी है, जो आग लगी है वो तभी बुझेगी जब ये दोनों पाखंडी बाप बेटे अपने अंजाम तक पहुंच जाएंगे। बाप नंबरी है तो बेटा 10 नंबरी। सूरत की इस लड़की की माने तो नारायण साईं आश्रम की लड़कियों को बरगलाता था, ओशो के आश्रम में अर्धनग्न होकर लोगों को नाचते देखता था और लड़कियों को भी दिखाता था। कि आश्रम में हमको ले जाया गया था, 3 दिन तक हम लोग रहे थे आश्रम में। कहाँ?
ओशो के आश्रम में काठमांडू में। तो वहाँ उनका सुबह जो मेडिटेशन हॉल है उसमें मेडिटेशन होता है, तो उनका है ऐसा कि वो लोग डांस करते हैं सब म्यूजिक लगा के पूरे मन से, उनको ऐसा नहीं कि कोई देख रहा है, ये वो खुले मन से वो लोग डांस करते हैं। तो हमको ये बोला जाता था कि देखो इनका जीवन कैसा है, कोई संकोच नहीं है, मुक्त जीवन है। यही नहीं, अपने पापाचार को इन बाप बेटों ने ध्यान का नाम दे रखा था। जब भी लड़की को अपने पास बुलाना होता था तो उसे ध्यान करने का बहाना बनाकर ये बुलाते थे। कुटिया में ले जाते हैं तो यही बोल के ले जाते हैं कि ध्यान करने के लिए बुला रहे हैं। सूरत की इस लड़की ने सबसे सनसनीखेज खुलासा तो आसाराम की बीवी और बेटी के बारे में किया है। इस लड़की की माने तो माँ बेटी खुद लड़कियों को आसाराम के पास भेजती थी। भारती और लक्ष्मी वो दोनों लड़कियाँ पहुँचाती थी बापू के पास। बेटी लेके जाती थी गाड़ी में, पत्नी वहाँ से ऑर्डर करती थी आज तुमको जाना है, आज तुम जाओ। वो पहले से ही बापू इशारा करके जाते थे जब आते थे तब, उनकी जो ढेल बंगलो है कि कुछ सिंधी में बोल के वो लोग इशारा करके जाते थे। हालांकि आसाराम की बीवी लक्ष्मी देवी ने इस लड़की के आरोप का खंडन करते हुए इसे बेबुनियाद करार दिया है। मम्मी जी के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो बेबुनियाद हैं। शादी के सात साल के बाद मेरे कोई छोड़ के गए तो दूसरों के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। नारायण साईं भी कुछ इसी तरह सामने आया था जब शाहजहांपुर की उस नाबालिग लड़की ने आसाराम पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। तब आज तक से बातचीत करते हुए नारायण साईं ने पीड़ित लड़की को ही पागल करार दिया था। मेरे पास जो खबर आई वो ये आई कि वो मानसिक रूप से भी थोड़ी अस्वस्थ थी, नहाने जाती थी तो समय लगाती थी और भी कुछ बातें आई, तो इस बेस पे कहा कि भाई ये मानसिक, और उसकी दवाइयां भी चलती थी उसकी, वो भी है जो दवाइयां लेती थी वो। नारायण साईं चला था अपने पिता आसाराम को बचाने, लेकिन वो तो खुद ही तमाम आरोपों में घिर गया। आज तक ब्यूरो। पुरानी कहावत है कि स्वर्ग और नर्क दोनों यही हैं, आपके कर्म आपको दोनों के दर्शन करवा देंगे। आसाराम और नारायण साईं ने लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करके स्वर्ग का सुख भोगा, और जब कुकर्म उजागर हुए तो जिंदगी में नर्क लोग भी दिखा दिया। बेटा हवालात में छटपटा रहा है तो बाप जोधपुर की सेंट्रल जेल में। शरीर की हालत हो गई सब। किसके किसके क्या कोई तकलीफ है बाबूजी? कोई तकलीफ है क्या? क्या तकलीफ है? कहते हैं पुलिस के सामने आते ही अच्छे अच्छों की हालत पतली हो जाती है, तो फिर आसाराम कैसे ठीक रहते? यौन शोषण के इल्जाम में पकड़े गए आसाराम की हालत भी अब ऐसी ही है। अदालत में पेशी के दौरान आसाराम से जब उनका हाल पूछा गया तो जुबान के रास्ते दिल का दर्द छलक कर बाहर आ गया। शरीर की हालत हो गई सब। किसके किसके क्या कोई तकलीफ है बाबूजी? कोई तकलीफ है क्या? तकलीफ है। अदालत में आसाराम के खिलाफ दाखिल पुलिस की चार्जशीट पर पहले ट्रायल के लिए 4 दिसंबर का दिन मुकर्रर किया था, लेकिन राजस्थान में चुनावों की वजह से इस दिन को मुलतवी कर अब 9 दिसंबर कर दिया गया है।